और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनावों की, जिसकी मतगणना सुबह 8 बजे से लगातार जारी है। चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रदेश के चार जिलों की तस्वीरें जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना हो रही है। पहली तस्वीर आगरा की है, जहां एमएलसी चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। शिक्षक सीट और स्नातक दोनों के वोटों की गिनती के लिए 14-14 टेबल लगाई गई हैं। हर टेबल पर 5 लोग हैं और साथ ही मतगणना स्थल पर कोविड प्रोटोकॉल का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, मेरठ की तस्वीर, जहां परतापुर कताई मिल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटों की गिनती चल रही है। मतगणना हॉल में 14-14 टेबल लगाई गई हैं। और तीसरी तस्वीर है झांसी से, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना लगातार जारी है। कोविड-19 से बचाव के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम हैं। झांसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 16 प्रत्याशी आमने सामने हैं। और वहीं चौथी तस्वीर लखनऊ से है, जहां रमाबाई रैली स्थल में एमएलसी चुनाव की मतगणना जारी है और 28 टेबलों पर 7 जिलों के मतों की मतगणना हो रही है। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं। बीएसएफ की टीम को भी मतगणना स्थल की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आगरा, मेरठ, झांसी और लखनऊ की ये तस्वीरें, जहां सेंटर्स बनाए गए हैं और वहां पर वोटों की गिनती चल रही है। बकायदा कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती की जा रही है। बताते चलें कि 1 दिसंबर को वोट डाले गए थे, एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी, जिसके बाद आज वोटों की गिनती चल रही है और आज शाम तक परिणाम आने की उम्मीद जताई जा रही है। चार तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, आगरा, मेरठ, झांसी और लखनऊ की तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बाकायदा मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वोट काउंट किए जा रहे हैं। 199 प्रत्याशी जो मैदान में थे एमएलसी चुनाव में, उनकी किस्मत का आज फैसला आना है। आज शाम तक परिणाम घोषित हो सकते हैं। वहीं लखनऊ की अगर बात की जाए तो यहां एमएलसी चुनाव में धांधली का भी आरोप लगाया, कई प्रत्याशी हंगामा करते नजर आए मतगणना स्थल पर। मेरठ से हमारे सहयोगी लोकेश टंडन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी के साथ। लोकेश, एमएलसी चुनाव की मतगणना लगातार जारी है, क्या कुछ तस्वीरें मेरठ में नजर आ रही हैं इस वक्त? प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? जी बिल्कुल, मेरठ की अगर बात करूँ तो मेरठ में लगातार जो रुझान है वो आने शुरू हुए हैं और अभी बताया जा रहा है की जो बीजेपी के दिनेश गोयल है कहीं ना कहीं वो आगे चल रहे हैं और ये जो सीट है उनके जो सपा के जो प्रत्याशी है वो भी बराबर की टक्कर है वो देने की उनकी कोशिश कर रहे हैं। और वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी बढ़त दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए लोकेश, वहीं अगर बात की जाए परिणामों की तो कब तक घोषित हो सकते हैं, क्या इसको लेकर कुछ जानकारी मिल पा रही है? सकता है भी फाइनल परिणाम आने में। अदिति एक बार सवाल अगर रिपीट करेंगे तो फाइनल नतीजे आने में अभी कितना वक्त लग सकता है, क्या इसको लेकर कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको? अदिति मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपको। तो फिलहाल हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, पीसीआर टीम से गुजारिश करेंगे कि इस टेक्निकल खामी को दूर करें। तब तक आपको बता दें कि मेरठ में एमएलसी चुनाव को लेकर वोटों की गिनती लगातार जारी है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 14 सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर वोटों की गिनती चल रही है। प्रदेश में एमएलसी चुनाव के परिणाम आज घोषित होंगे और 199 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला सामने आएगा। आपको दिखा रहे हैं वोटों की गिनती चल रही है, मतगणना स्थल की तस्वीरें मेरठ से। कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए यहां पर वोट काउंट किए जा रहे हैं।
और इन्हीं खबरों के साथ 3 की बात में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टुडे।